आपने पेपेंस पोर्टल का नाम तो सुना ही होगा, जिसका पूरा नाम पब्लिक फाइनेंशियली मैनेजमेंट सिस्टम होता है और इसे हिंदी में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध सेवा कहा जाता है, जिसे केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के द्वारा इसकी शुरुआत 2009 को की गई थी। इस पोर्टल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपके बैंक अकाउंट में किसी भी योजना का या फिर किसी भी सब्सिडी का या फिर कोई भी स्कॉलरशिप का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है, तो उस पैसे को आप घर बैठे ऑनलाइन ही अपने मोबाइल से इस पोर्टल के थ्रू चेक कर लेते हैं, जिससे लोगों का काफी समय बचता है और उन्हें कहीं भी दफ्तरों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ते। और आप में से ही कुछ लोगों ने इस पोर्टल के थ्रू अपनी बैंक का बैलेंस चेक करके भी देखा होगा। इस पोर्टल से किसी भी योजना का या फिर सब्सिडी का पैसा चेक करना बहुत ही आसान है, जो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे बैंक अकाउंट में कोई सा भी पैसा क्यों ना हो, वो पैसा अगर हमारे अकाउंट में आया है तो 100% यहाँ से चेक कर लेते हैं। इस पोर्टल से पैसा चेक करना पहले और आसान था, लेकिन धीरे धीरे इस पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है। पहले आप इस पोर्टल से सिर्फ अकाउंट नंबर डालकर किसी का भी बैंक का बैलेंस चेक कर लेते थे, बिना कोई मोबाइल नंबर लिंक के और बिना कोई OTP के, लेकिन अब इसे पूरी तरीके से अपडेट किया जा रहा है। अब आप यहां से उसी का ही बैंक का बैलेंस चेक कर पाएंगे जिसके बैंक अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा। लेकिन अभी आप इस पोर्टल से अपनी बैंक का बैलेंस चेक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस पोर्टल पर अभी कुछ इशू चल रहा है। तो हमने पेमेंट्स पोर्टल से बात की तो उन्होंने बताया है कि पेमेंट्स पोर्टल को अभी अपडेट किया जा रहा है, जैसे ये पूरी तरीके से वर्क करने लग जाएगा आप फिर से अपनी बैंक का बैलेंस चेक कर पाएंगे। तो हमारे पास पुराने वीडियो पर काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे, वो बता रहे थे कि सर ये पोर्टल अब काम नहीं कर रहा है, ये बंद हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं, ये बंद नहीं हुआ है, इसको अभी अपडेट किया जा रहा है। जैसे ये अपडेट हो जाएगा आप फिर से अपनी बैंक का बैलेंस चेक कर पाएंगे। पहले के वीडियो में हमने आपको उमंग एप्लीकेशन से पैसा चेक करके दिखाया है, उस टाइम वो प्रोसेस बिल्कुल काम कर रहा था, लेकिन फिलहाल में वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने आपको उमंग एप्लीकेशन से भी पेपेंस पोर्टल का पैसा चेक करके दिखाया है। तो वो तरीका भी बिल्कुल सही है, लेकिन उस तरीके पे भी अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, वो भी धीरे धीरे अपडेट हो जाएगा। आप चिंता न करें, जैसे ही ये पोर्टल पूरी तरीके से काम करने लग जाएगा मैं आपको एक न्यू वीडियो बना कर दूंगा, जिसमें आपको कंप्लीट पैसा चेक करके दिखाऊंगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में सवाल रहता है कि पेपेंस पोर्टल से तो हमारा बैंक का बैलेंस चेक ही नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके बैंक अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से चाहे वो कोई सा भी पैसा हो, वो आपके अकाउंट में आया है, तो वो 100% चेक होगा। बस उसके पीछे कुछ शर्तें हैं जो मैं आपको बता दूं। आप जिस अकाउंट का पैसा चेक करना चाह रहे हैं, उस अकाउंट के साथ अपना आधार कार्ड लिंक होना चाहिए और उसी के साथ आपका बैंक अकाउंट NPCI सर्वर से भी लिंक होना चाहिए। अब ये NPCI सर्वर क्या होता है, इसका तो हमने पहले ही वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपका बैंक अकाउंट NPCI से लिंक होता है तो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट के तहत जो भी पैसा आता है, उस पैसे को आप पेपेंस पोर्टल से चेक कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और आपके दिमाग में फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स से आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और चैनल पर पहली बार आए हो तो फिर देरी किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल में लगी इस घंटी को दबा कर ऑल पे सेलेक्ट कर लो, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे यूजफुल वीडियो ला सके।